आइडेंटिफिकेशन है वहां ठीक है। पहुंचने का। हाँ ठीक है ठीक है। और डोमेन जैसे आपको पता है कि कोई डुप्लीकेट दोबारा डोमेन हम नहीं ले सकते है ना, तो किस यहाँ पे वो डिसाइड होता है कि ये डोमेन आपका ही है? क्या मिलता है आपको डोमेन खरीदने के बाद? होस्टिंग लेते हैं हम होस्टिंग लेते नहीं, डोमेन में आपको डीएनएस मिलता है, पता है था? लोग, डोमेन नेम सर्वर, वो सर्वर आपके नाम हो जाता है। जैसे आप डोमेन लेते हो तो उसका सर्वर आपके नाम हो जाता है सर्वर और कोई उसको यूज नहीं कर नहीं। सकता। मानते हो इस बात को? पता है ये बात भी आपको? ठीक है। होस्टिंग क्या होता है? होस्टिंग है उसको एक तरह से चलाने के लिए, यूज हमारे करने को की यूज जरूरत करने के आ लिए जाती है। एक स्पेस मिल जाता है हमें, एक स्पेस बिल्कुल, मिल जाता है जहां पर हम अपना कंटेंट को कंटेंट को सेव डालते कर हैं सकते हैं, उसमें। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हाँ, हैं, इमेज डाउनलोड करते हैं, मतलब जो एक तो सेव नेम हो करें। गया, एक उसके बाद साइट में जाने के बाद जो सब चीज़ आप वहाँ डालोगे, जो जो आप चाहते हो दुनिया को पता चले, तो वो कंटेंट आप वहाँ तो डालोगे। सिंपल लैंग्वेज में कहें गज तो डोमेन नाम हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गई, हाँ डोमेन स्टोर हो गया, उसमें क्या क्या सामान है, क्या हाँ क्या होस्टिंग अवेलेबिलिटी है, होस्टिंग लॉग हाँ आ गया उसको, वो होस्टिंग मतलब स्टोर जमीन और घर, हाँ जमीन और घर से मतलब उस ठीक स्टोर है। में क्या अवेलेबिलिटी है। बिल्कुल जैसे बिल्कुल, रीडिफाइन बाहर से पता चलेगा नेम है, अंदर ये आपका ये पता डोमेन हो चलेगा गया, कि काम ये कर आपका रहा है, होस्टिंग है। बस वो ठीक होस्टिंग। है। अब समझा गया होस्टिंग का डोमेन? ठीक है। कंट्रोल पैनल कब तैयार होता है? कंट्रोल पैनल कब तैयार होता है? जब हम डोमेन नेम को और इसको होस्टिंग को कनेक्ट कर कनेक्टेड देते कर देते आपस हैं। में, कनेक्ट करते हो यानी कि डोमेन यस नेम सर्वर का डीएनएस कॉपी करते हो यस और पेस्ट कर देते होस्टिंग के अंदर पेस्ट कर देते हो। कल हैं। बताया था ठीक ना कैसे होस्ट को कॉपी करके पेस्ट कर देते है। हैं, है ना? तो इस प्रोसेस से क्या निकल के आता है आपके पास? कंट्रोल सी कंट्रोल पैनल। पैनल, सी पैनल जिसे कहते हैं। वेरी गुड। ठीक है, सी पैनल के अंदर हम क्या क्या करते हैं कोई बताएगा? आप बताओ सी पैनल में हम क्या काम करते हैं? आपको कल बताया था मैंने क्लास कर ली थी। तो यूट्यूब पे वीडियो देख ली थी, समझ में नहीं आ रहा वीडियो देखो। गुड गर्ल, चलो सी पैनल के अंदर हम सारी की सारी चीज़ें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपना एक वो बनाते हैं, एडमिन और पासवर्ड बनाते हैं, फिर उसके बाद हम जो है उस पर सब चीज़ें ऑर्गेनाइज करते हैं। चल ठीक है। यानी कि इतना तक मैंने सबको सिखा रखा है, चलो सी कोई पैनल पूछ में सकता हूँ जाने के इतना बाद मैं वर्ड प्रेस प्रैक्टिकल? को करते हैं पहले। हाँ मैं वर्डप्रेस आज करवाता हूँ आपको, प्रॉपर इंस्टॉल करके मेन्यू वेन्यू बना के कैसे करते हैं ये मैं पूछ लेता हूँ, किसको कितना याद है, किसने कितना किया है। 5-7 मिनट लगेगा और किसी से पूछ लूँगा कौन चीज़ कहाँ कॉपी करते हैं, कौन चीज़ कहाँ पेस्ट करते हैं, और मुझे बताना और मैं देखता हूँ कौन कितने किसको याद है। कितने सुप्रीत पार्टी आर यू रेडी? मनवंत सजी ओपन करके देखा था, कोई बात नहीं है। चलो तो पहले होस्टिंग ही ओपन कर लेते हैं। चलो सिंगर यहाँ से क्या लेते हैं, भूल गया बताना, होस्टिंगर से। देवी जी आप बताओ यहाँ से क्या लेते हैं? यहाँ से हमने डोमेन नेम लिया था, डोमेन, ये भी भूल गए तो क्लास में थे उस दिन। यहाँ से डोमेन नेम लेते हैं इसका नाम गलत रखा हुआ है। क्यों? हाँ लगता है होस्टिंगर होस्टिंग लिया है, होस्टिंगर से हाँ आता होस्टिंग। होस्टिंगर अच्छा, होस्ट हमने हमने होस्ट गेटर से, होस्ट गेटर से नाम इसका अलग है, गलत है नाम। वैसे दोनों चीजें एक ही से ले सकते होस्टिंग आ गया, ले सकते हो ले सकते हो ले होस्टिंग सकते हो, बस मैंने पैसे बचाने के लिए ऐसा किया, कुछ नहीं। मेरे हिसाब से तो मैं दिमाग में रुका, मैं दोनों होस्ट ले सकते हो यार, बहुत सारे हैं। मैं नहीं, वो नेम चिप वाला डॉलर वाला, ये व्हाइट डॉलर वाले को नहीं बोलेगा। वही $2 2.985 तक कुछ है ना। चल देखो, अच्छा ये एक बस्कार को रखा है मैंने। देखो अभी मैं एक बिजनेस के लिए काम करता हूँ, वर्ल्ड टैलेंट डांस टैलेंट .com, ये भी मेरे अंडर इशारा, मैंने इसका खरीदा हुआ है सब कुछ। वर्ल्ड डांस टैलेंट टैलेंट ठीक है, इसका ऑडिशन है, पूरी इंडिया के अंदर ऑडिशन हुआ है। अच्छा हाँ, ये मेरा स्टूडेंट भी है और इसका सारा काम मैंने ही किया, वेबसाइट से लेकर हर चीज़ का। ओके हाँ जी, अभी ये कोई गोस्वामी, सुमित गोस्वामी, उसके साथ काम कर रहे हैं। अच्छा वो ये मेरे सब अमेजोन का भी काम सीखने आएंगे, ये पूरा प्रोडक्ट भी इनके पास। ये है कि यार प्रचूर जो यहाँ पे सीख रहे हो कहीं ना कहीं काम में जरूर हो रहे हैं, तो ये मुझे बड़ी खुशी रहती है, कॉन्फिडेंस रहता है कि यार जो सीखे वो जरूर किसी न किसी उस पर तो पहुँचेगा ही पहुँचेगा, इससे ज्यादा खुशी कुछ नहीं है। मुझे लग रहा शायद आपका है, मे बी लॉगआउट करने के लिए। हाँ जी सर, बढ़िया सर, बढ़िया एकदम बढ़िया। हाँ आज ऑफिस में ही हूँ, आ जाओ मिलते हैं। अच्छा बंद कर दिया मैंने, बंद कर दिया, बहुत दिन हो गए, कोई बात नहीं, चले नहीं वो नहीं लिया।
ठीक है सर, आज ही एक और मिलते हैं पढ़ा रहा था। तो यहाँ से हम हॉस्टिंग वो कौन सा इन्होंने लिया हुआ है, बहुत ही प्यारा डोमेन का। तो ऑक्टेव ब्रांड सुने, ऑक्टेव हाँ ऑक्टेव ऑनलाइन स्टोर डॉट इन, और इसके उनकी उसी कंपनी के वो हैं। क्या आप सर? मैं शॉप मैनेजर हूँ। शॉप मैनेजर हैं ऊपर पश्चिम इन्होंने कहा, इनका जो सोचा ये ऑक्टेव ऑनलाइन स्टोर डॉट इन ले लिया, और ये बेचेंगे तो सच में बहुत महंगा बिकेगा। फेमस ब्रांड है यार कपड़ों के, ऑक्शन पे लगाएंगे, हमने भी यही सोचा है। मैं भी यही सोच रहा था, मैंने कहा इसे तो साथ साथ में ऑक्शन पे भी डाल देते हैं। पहले इसकी वो कर लो ना, एडवर्टाइज करो तब करेंगे, क्या दिक्कत है, ब्रांड ही बनाएंगे इसको। नहीं जैसे हम अगर पहले से इसे डाल दें उस पर ऑक्शन, साथ में ऑक्शन पे डाल के काम करते रहें तो ऑक्शन पे भी तो धीरे धीरे बिड वो बढ़ती रहेगी। नहीं वो नहीं है, हो जाएगा आपको खुलना चाहिए। इसने तो परेशान कर दिया यार, मैंने इसमें अपना जीमेल वाला डाला है, वही डालना था ना इसमें। क्योंकि वो तो अलग बनाया था ना हमने, जैसे हम लोग काम करेंगे उस पे, काम तो हम लोग जो करेंगे करेंगे, बट वैसे नॉर्मल भी ऑप्शन लगा सकते हैं। हाँ। तो धीरे धीरे कुछ हो सकता है ना, हो सकता है उनको पता चले तो, हो सकता है पता चलेगा तभी। ऑक्टेव ऑनलाइन स्टोर डॉट कॉम। अच्छा ये बताओ सुप्रीत, तुम बताओ मुझे, यहाँ पे मुझे इसका DNS चेक करना, तो DNS चेक करने के लिए क्या करेंगे, स्टेप बताओ। मैंने कर दिया ओपन, लॉगिन कर लिया मैंने, अब मुझे इसका DNS चेक करना है। हाँ ये मैंने ठीक है, बस अब चुप रहना। मनवंत मतलब ये किसके नेम पर है? हाँ हाँ नहीं DNS मतलब जैसे आप कोई चीज खरीदते हो तो रजिस्टर नंबर मिलता है ना, आधार कार्ड मतलब रजिस्टर नंबर मिला ना कि अब आपका या किसी का नहीं हो सकता, वैसे जब डोमेन खरीदते हो DNS मिलता है, डोमेन नेम सर्वर कहते हैं, वो आपके नाम हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आप कहाँ जाते हैं हम लोग इसमें, इसमें बताना मेन स्टेप क्या करते हैं बताना यहाँ पे। नहीं अब हम क्या करते हैं, ये ओपन करके करने के बाद फिर होस्टिंग का होस्ट गेटर ओपन करके जहाँ से आपने होस्टिंग खरीदे। हाँ अब ये वो कहाँ से आते हैं ये हमें बताएंगे, मिस्टर मिस्टर परवेश। ठीक है कुछ काम नहीं भी होगा जो काम होगा, जल्दी से लॉगिन करो सर। लॉगिन इसमें तो वही डालना पड़ेगा जो बनाया था। हाँ होस्टिंगर, ये होस्टिंगर था, ये इसमें सर कौन सा नहीं, इसमें होस्टिंगर से जो बनाया था वो डालना है, गूगल वाला डालना है इसमें जो बनाया था, इसके दोनों इसलिए लिया ना। नहीं 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 इनका भी होस्टिंगर होस्टिंगर से लिया, होस्टिंगर से डोमेन लिया, होस्टिंगर से होस्टिंग लिया। पता है बाबा मतलब इतना रिपोर्टर क्यों समझा, अगर ये चीज क्लियर होगा ना, बेसिक चीज है ये, क्लियर होने के बाद तो फिर कुछ नहीं है वेबसाइट बनाने में, कुछ भी नहीं है। आप अगर इन फ्यूचर कभी कंफ्यूज हो गए ना तो इसी चीज में होगा और किसी चीज में नहीं होगा। ज्यादातर प्रॉब्लम जाते हैं ना इसी में आती है। @#, इससे होस्टिंग ले रहा, इनसे मैंने होस्टिंग ले रहा।
मैंने तो सब मैं देखो दुनिया यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट है बट मैं इसका इसलिए फैन यार इसका हर चीज़ में बढ़िया लगता है सबसे बढ़िया लगता है मुझे कस्टमर सपोर्ट किसी ने मुझे पूछा था मैंने यही बताया वो कोई आपको इसके बारे में नेगेटिव रिव्यू नहीं दिया और प्लस में इसका सर्वर इंडियन सर्वर है इसे बात भी तो की थी हमने हाँ हाँ कितना प्यार से समझाता है पर तो वो एक वो 29 सेकंड वो 29 मिनट के तो बैठा हुआ था मेरे पीछे वो वो देखना गलत ये किसका आपने ये होस्ट गटर आईडी पास भूल गया तो वही तो बात हो गई तो कह रहा था आपको जो बनाया है वो डालना है शायद हो गया मुझे लगा वो 29 मिनट पीछे चल गया उस 3 मिनट डिस्कनेक्ट कर दी बात तो बनो माय अकाउंट तो पहला स्टेप आप ही बताना मुझे मैंने ये ओपन कर लिया है जल्दी हो जा भाई आ गया ये देखो हमने जैसे ही ओपन किया ना माय अकाउंट में तो ये ऐसा खुला है अब मुझे बताओ इसका मुझे डोमेन नेम सर्वर जो है ना डोमेन नेम इसका डीएनएस जो सर्वर है होस्टिंग का जो डीएनएस है मुझे कॉपी पेस्ट मतलब यहाँ से कॉपी करके और मुझे कंट्रोल पर उसके डोमेन नेम वाले में मुझे पेस्ट करना है तो क्या स्टेप बता दो मुझे देखो भाई ध्यान से मेरे को भी देखना चाहिए ना नहीं कोई बात नहीं हेमंत जी आप बताओ कोशिश तो सबको देखने दो ना इसका ऐसा रख लो इनको भी देख जाएगा प्रवीण जी को रुक जाना बड़ी उत्सुकता हो रही है चलो शाबाश शाबाश चलो तो बता प्रवेश बता रहे हैं आपको मैनेज ऑर्डर लिस्ट सर्च ऑर्डर मैं देख रहा था कि हम करेंगे क्लिक मैं तो कह रहा हूं मुझे पता है आप भूल जाओगे एक बार मैं अब नहीं भूलूंगा इतना मुझे पता है लिस्ट सर्च ऑर्डर सुनाया मैंने एक बार लिस्ट सर्च ऑर्डर उसके बाद कहाँ जाएंगे सुप्रीत तुम बताओ अब तो मुझे ध्यान ना आप बताओ सुप्रीत जी इस वाले को इस वाले पे क्लिक करो इसको राइट क्लिक मारो हेलो नॉर्मल क्लिक करता है ना जो भी है वो ये आ गया आप बताओ मनवंत आप बताओ क्या करो इसके बाद यहाँ आ गया मैं अब कहाँ पे जाऊँ अब कहाँ जाऊँ देखो साफ साफ लिखा हुआ है अच्छा आप बताओ बताना ऐसे सी पैनल वेरी गुड तुम बताओ ये कर रहा है सी पैनल के लिए कर रहा है ना मुझे तो भाई इसका जो डीएनएस है ना कॉपी करके मुझे डोमेन वाले में पेस्ट करना है होस्टिंग का डीएनएस आप बताओ डोमेन में पेस्ट करना है नेम सर्वर डिटेल वही कह रहा हूँ कर रहा है यहाँ पूछ रहा था क्लिक करे क्लिक कर तो यानी कि हमें इसका डीएनएस निकालना है नेम सर्वर इसको डीएनएस मतलब सिर्फ नेम सर्वर बोलो इसको अगर होस्टी का नेम सर्वर निकालना इस पर क्लिक करना पड़ेगा ना इस पर क्लिक करो अब लोग हाँ सर याद आ गया मुझे अब याद आ गया फर्स्ट में सेकंड वाला सेकंड अब इसका फर्स्ट वाला इसका देखो इसका फर्स्ट वाला कॉपी किया होस्टिंग होस्ट गेटर को होस्टिंग से नहीं होस्ट गेटर से हमने होस्टिंग लिया हुआ है तो उस होस्टिंग को डोमेन से कनेक्ट किया सिंपल होस्टिंग वाला कॉपी करके डोमेन वाले में इसका फर्स्ट वाला कॉपी करके और डोमेन वाले के फर्स्ट में पेस्ट करना था और इसका जो है सेकंड वाला कॉपी करके सेकंड वाले में पेस्ट करना सिंपल करके और अपडेट कर देना तो अपडेट कनेक्ट हो जाता है अभी आ रहा अभी धीरे धीरे और एक स्टेप तो सिंपल मोटा मोटा आपको ये समझ लिया समझ में आ गई चलो अब मुझे बताएंगे मिस्टर परवेज जी ये भी काम कर लिया मैंने अब मेरे इसके बाद क्या स्टेप था आप बताओ कहाँ पे सी पैनल कहाँ दिखता है डोमेन वाले में या होस्टिंग जहाँ से लेते हैं वहाँ दिखता है डोमेन वाले अलग से करना पड़ेगा सी पैनल तो अभी तो दिखाता है सी पैनल फिर से बोल रहा हूँ सी पैनल का फंक्शन किस में होता है डोमेन में होता है होस्टिंग में होता है इसका काम खत्म अब जो होस्टिंगर था जहाँ से डोमेन लिया था देखो डोमेन मैनेजमेंट लिखा रहा ना ये इसका काम खत्म से कुछ नहीं करना अब आपको बस इसका कॉपी पेस्ट कर दिया और कुछ करना ही नहीं है
जमीन पे कोई काम नहीं है ना, घर पे भी। अब हाँ, आप जमीन पे काम करते हो, इसको बंद भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम किसी को? अब यहाँ पे मेन काम करना है हमें, इसको कॉपी पेस्ट कर दिया ना। थर्ड स्टेप में क्या करना है, कंट्रोल पैनल पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करके मैंने क्या किया था, कोई मुझे बताएगा? मैं तो भूल गया। ये आपका यूजर नेम आ गया, पासवर्ड चेंज करना, तो यहाँ से हम पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम? थर्ड स्टेप पे। अब मुझे मनवंत जी आप करके दिखाओ, ये मैंने चेंज कर दिया पासवर्ड। अब मुझे जहां पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं ना, वहां पे जाके दिखाओ मैं कैसे जाऊंगा वर्डप्रेस। अब मुझे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, है जी, मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया। अब मुझे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, तो मैं क्या करूं, मुझे सिखा दो। लॉगिन इंस्टॉल, अच्छा अच्छा लॉगिन तो करके दिखा दो, कैसे लॉगिन करेंगे। आवर टाइम स्टूडियो को ही कर दो, कोई बात नहीं। सारे अच्छे अच्छे ब्रांडी बनेंगे यहाँ पे, मुझे लग रहा है। क्या वाले इसके पीछे रीजन है? टाइम स्टूडियो तो वैसे ब्रांड लगता है, बार बार टाइम्स ऑफ इंडिया लिख देते हैं इनके नाम को, जैसे लिखता था टाइम ऊपर सजेशन देता है ऑफ इंडिया। नेम बट नेम बट गाने के लिए कहाँ गया है स्टूडियो, पता नहीं, मैं तो भूल गया। नहीं मैं पूछ रहा हूँ कि कहाँ जाने के लिए गया है। मुझे जाना है मतलब डोमेन जो ये करेक्ट कर दिया ना मुझे, अब वर्डप्रेस इंस्टॉल करना, तो क्या स्टेप होता है मैं भूल गया। ये चलना, हाँ ये तो नहीं पता था, लेकिन गलत करो ना फिर, आप तो गलत करोगे तो चलेगा ही नहीं वैसे भी। बता हेमंत जी क्या करेंगे? सही तो है, सही है। स्लैश नहीं, ऐसे बता दो लिख क्या रहे हो, ये बता दो। अच्छा अच्छा ऐसे वाला करो क्या, ये तो है सर, क्या करना आपको? स्लैश से वो था ना सीपी, सी पैनल, हाँ सी पैनल, स्लैश सीपी था, ये आ गया सही है। इसका वो खोलना ऑन स्क्रीन खोल, सिंपल आ गया देखो सी पैनल, ये वाकई आपको ये वाला ही लगाना था, आ गया सी पैनल लिखना था, भूल गए। वर्डप्रेस कहाँ इंस्टॉल करते हो, कंट्रोल पैनल में या वर्डप्रेस में जाके? इससे तो कन्फ्यूजन दूर ही करना चाह रहा हूँ मैं कि देखो वर्डप्रेस इंस्टॉल, देखो आप अपने नोट्स निकालो एक बार, मैं दोबारा और उसको नोट्स को दोबारा वो सेंड कर दो, मैं तो व्हाट्सएप कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ ग्रुप में, समझ में आ रहा है या फिर कन्फ्यूजन है? कल छुट्टी कर लेना दोबारा, कल वैसे भी क्लास नहीं है। वेबसाइट में एंट्री करने के लिए था सी पैनल, सी पैनल में वर्ड पर नहीं लिखा हुआ, देखो सी पैनल के अंदर आप वर्ड प्रेस इंस्टॉल करोगे और प्रोफेशनल मेल तैयार करोगे, देखो लिखा हुआ है फोन के नोट्स में। नहीं समझ आया ना तो समझाऊंगा, इसीलिए कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम ये लिखा हुआ है। देखो मैं बताता हूँ ग्रुप में, मुझे दोबारा शेयर करो मैसेज, रुक जाओ मैं ग्रुप में, तो हुई रुक जाओ। इंस्टॉल वर्डप्रेस आगे तो मैं समझ गया, जो तू आईडी पासवर्ड में दिखा रहा था वो यही डाल के और आगे वर्डप्रेस, बस सिंपल सी बात है, वही दिखा रहा हूं, मतलब तो पता है कि क्या हुआ है, बाकी उसके बाद क्या वो कुछ नवा हुआ है बिजनेस में क्या करते हैं बताओ। आपको नहीं समझ आया, देखो मैंने क्या कहा था आपको, सबसे पहले डोमेन खरीदो, होस्टिंग खरीदो, ये हमने काम कर लिया। उसके बाद हमने क्या करा, फिर मैंने ये भी लिखवा रहा है कॉपी में, मुझे ग्रुप में मैसेज कर दो दोबारा, मैं कॉपी पेस्ट कर दो ना, मेरे पास मिल नहीं रहा, मुझे देख लो ना कम कर दो, ये करते दोबारा से डाल दो, हाँ उसी चीज़ को कॉपी कर दोबारा पेस्ट कर दो, कर दिए आ गए। देखो जी आप भी ओपन करो भाई फोन, मैंने वो मेंशन कर दिया, ये क्या अच्छा मेंशन कर दिया, हमारे ग्रुप में जाके देख ले मेंशन कर दिया। अच्छा हाँ देखो सबसे पहले हमने डोमेन खरीद लिया,
खरीदने के बाद हमने क्या करा, इसमें देखो यहाँ पे जाने के बाद हमने डोमेन खरीदने के बाद हमने होस्टिंग भी खरीद लिया है ना। होस्टिंग खरीदने के बाद हमने कहा DNS डोमेन नेम सर्वर मिल गया होगा, कॉपी द DNS एंड पेस्ट इन द डोमेन, ये भी हमने स्टेप कर लिया है। यहाँ तक पहुँच गए मनमंद जी, यहाँ तक पहुँचे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए यही तो लिखेंगे time studio/cPanel। जब सी पैनल खुलेगा तभी तो हम कंट्रोल पैनल के अंदर क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे वर्डप्रेस। अब उसी यही स्टेप तो पूछ रहा हूँ आपसे है ना। उसके बाद प्रोफेशनल मेल बिजनेस मेल तैयार करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम प्रिपेयर वायर फ्रेम करेंगे। तो अभी तो हम यहीं तक पहुंचे, तो यहाँ तक तो पहुंच जाओ अच्छे से, बिजनेस ईमेल तक पहुंचे, बिजनेस ईमेल तक। तो अब इसको देखो सी पैनल में लिख दिया मैंने, यहाँ पे जो भी आपका डोमेन है उसके साथ में सी पैनल लिख दिया। अब इसको ओपन करो सर आप। अरे वही इन्फो जो कल बनाया था, info@timestudio.in सिखाया था कल, अभी सीख रहा अभी बना देंगे सर आपको। उसके बाद ड्रैग कर लिया, उसके बाद हमने वो डिजाइन नहीं करा था वो ऐसे पेज पे, सी पैनल में बहुत सारा काम है बट मेन इतना काम है इसका सारा वर्डप्रेस पे होगा, ये हमारा ये करने लगे थे इसलिए हो गया। वो एक स्टेप आगे चले गए, अभी पता चल जाएगा, रिवाइज करवा देना, भूलोगे नहीं यहाँ पे, ये चीज है सही है। नहीं एक सुविधा है उसमें ट्रू कॉलर में, अगर आप उसका पेड वर्जन लेते हो ना तो आपकी रिकॉर्डिंग उसके पास चल जाएगी। हाँ जी मैं अभी इस टाइम बिजी हूँ और मैं अभी आपको जो है थोड़ी देर बाद फ्री होकर कॉल करता हूँ, या मुझे इतना कॉल करो, रिकॉर्डिंग अपने आप पहुँच जाएगी उसके पास। पकाता जब कॉलर ट्यून में बजेगा उससे रिंग नहीं बजेगा, कॉल हाँ कॉलर ट्यून में कुछ इस तरीके से थैंक यू फॉर कॉलिंग ऐसे ही आप ही की वॉइस में कितना बढ़िया रहेगा ये विषय। फोन कर दे किसी, फोन ही खा 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 क्या अच्छा। मुझे भी यही लगता है। सुप्रीत भाई तुम बताओ, कंट्रोल पैनल ओपन कर लिया, मुझे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना तो क्या करेंगे, भूल गया बताओ। जो ये जो बंदा यूट्यूब पे वीडियो देखे होगा यार सर जी भूल जा रहे बार बार वो क्या नीचे जाऊं चलो होगा वर्डप्रेस कर लो। मनमंत भाई देख लो आप वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे। हम वर्डप्रेस पे क्लिक करने के बाद और इसको हम क्या करते हैं यहाँ से इंस्टॉल कर हाँ ये हमने कर लिया था दोबारा बता करेंगे नहीं सिखा रहा हूँ यहाँ से इंस्टॉल कर साइड पे किया हुआ क्या हुआ है। अब यहाँ पे बताना दो मेन बात रखना होता है क्या क्या याद रखना बताओ। पहला क्या कि आपका ये चीज ना ये चीज किस डोमेन पे करना चाहते हो ठीक है अच्छा ठीक है। तो जिस भी डोमेन पे करना चाहते हो उस डोमेन पे को चूज करोगे मतलब एक ही होस्टिंग में कई बार क्या होता है हम तीन चार डोमेन कनेक्ट कर देते हैं एक ही होस्टिंग में। जब बड़ा वाला ले लोगे तो पांच छह भी तो करोगे ना तो सबका वेबसाइट तो सेपरेट सेपरेट ही बनेगा ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे जो होस्टिंग होगी और क्या नाम है कई डोमेन हो सकते हैं तो जिस पे इंस्टॉल करना वही चूज करोगे ना यहाँ पे और नीचे यहीं पे ही आपका पासवर्ड और आईडी वो बनता है ये देखो आईडी और पासवर्ड बन जाता है पता है ये बात। उसके बाद इंस्टॉल कर लेते हो नीचे करते हो और इसको इंस्टॉल कर लेते हो दोबारा करेंगे दोबारा होगा नहीं अब इसको करेंगे। तो ये हमने तो कर लिया था अब नहीं कर रहे वैसे बता रहा हूं वैसे कर रहा हूं। तो ये पासवर्ड और वो हमारा वही है ना वही है वही वही है जो पहले था वो जो जिससे वर्डप्रेस को वो खुला है इसी तरह खुला है। यहाँ पे क्या चेंज कर सकते हैं क्या बोला नहीं यहाँ पे अलग पासवर्ड आईडी डालोगे ये जो खुलता है पता कैसे खुलेगा आपने इंस्टॉल कर दिया जैसे इंस्टॉल करने के बाद जैसे मैंने मान लो एमएस वर्ड अपने कंप्यूटर में लैपटॉप में ऑन कर दिया उसको ओपन करने के लिए क्या करोगे विंडो आर एमएस विन वर्ड लिखोगे विंडो आर एक्सेल लिखोगे रन कमांड के अंदर तो ओपन हो जाता है ना वो ऐसे ही इस सॉफ्टवेयर को ओपन करना है वर्डप्रेस को। किसको ओपन करना है हमें वर्डप्रेस को। तो आप मुझे बताओ कि वर्डप्रेस को ओपन करने का क्या स्टेप होता है मैं भूल गया बताओ। नाम लिख के अपना /wp-admin गुड wp-admin अब बात समझ जाएगी आपको क्या कि जैसे अगर टाइम स्टूडियो तो टाइम स्टूडियो डॉट इन हाँ क्यों नहीं यार सीखो सीख तो करो और क्या प्रैक्टिकल करके देखो
डैशबोर्ड ही खुलेगा। अब क्लियर हो गया आज, क्लियर हो गया। कल जाता है कन्फ्यूजन, कहीं यार छोटी छोटी कन्फ्यूजन जो रहेगी ना तो आपको वो डीमोटिवेट करेगी, बार बार आगे सीखने के लिए डीमोटिवेट करती है वो, क्योंकि इसके बाद आप सिर्फ आपका ही आपका काम है वेबसाइट बनाना। मैं तो 20 मिनट में सिखा दूंगा पूरा वेबसाइट, आपको मेहनत करना है। उसके बाद सिर्फ आपको जितना देर मेहनत करोगे, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे वैसे वर्डप्रेस खुल जाता है ना, वैसे ही अगर कुछ भी ना लिया नहीं लॉगिन वो अलग है, उसका यूआई अलग होता है, वो अलग वो चीज करोगे तो वो जो मैं सिखा रहा हूँ वो चीज होगा। मैं तो फ्री का देता हूँ, 000 वेब होस्ट में फ्री मिल जाता है होस्टिंग का डोमेन, तो मैं जरूरत नहीं पड़ेगी खरीदने का। अब देखो भाई, अब हम यहाँ पे आते हैं ना, एक पोस्ट और एक कमेंट दिखा रहे हैं, उसमें कमी क्या होगी फ्री वाले में? कभी कभी बीच में ऐड देता है, फ्री वाले में जो है ना प्रैक्टिस कर लो वैसे, बट उसको कभी ओपन ही नहीं होगा, कभी आईडी गलत बताएगा, परेशान हो जाते हैं। मैंने भी कल इसका देखा था गूगल के ऊपर, वो डाल के उस मारा यू आर एडमिन, अपने आप ही आ गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। दो और स्टेप है हेमंत जी, मैं भूल गया, आप बताओगे मुझे। अरे सर भूल जाते हो बार बार है। तो मुझे जो है बिजनेस ईमेल तैयार करना, तो कैसे ईमेल तैयार करते हैं? बस ऐसे रखो, हाँ हम भी, हम लोग भी देख लेंगे। देखो ईमेल अकाउंट में जाएंगे, हमें बिजनेस ईमेल तैयार करना है, जैसे कैपिटल अगर info@capitalaward.com है ना, तो इसको तैयार करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे। देखो अरे 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 तो भूल गए, ये रख क्रिएट। देखो चार पांच अवेलेबल थे, चार मतलब पांच है में से चार, मैंने एक मैंने बना दिया, एक बन गया, चार और बनाना। तो कैसे करें, क्रिएट करेंगे पहले यहाँ पे नीचे, इधर देखो इधर 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 क्रिएट कर दिया। अरे सर आपका यहाँ पहुँच गया, दोबारा बता दो, क्रिएट पे ही है, दो टाइम खुलेगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वहीं पे आ जाओ, कोई बात नहीं, नीचे नीचे की है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये देखो यहाँ ऑप्शन क्या आ रहा है, क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, क्रिएट पे क्लिक करोगे ये देखो आ गया। आप करना क्या है, बस नाम लिख देना है, मुझे बनाना है मान लो डोमेन सपोर्ट, सपोर्ट नहीं होता सपोर्ट होता है, वैसे ही बता दूं सपोर्ट 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 SU बोलते हैं पूरा, हम लोग सपोर्ट बोलते हैं, हम लोग सपोर्ट बोलते हैं। देखो और पता है आपको एक और बता, थोड़ा नहीं बता दूं, इंडिया का मतलब पता है, फुल फॉर्म बना देंगे, फुल फॉर्म नहीं, नहीं नहीं इसका मतलब सुनोगे तो हिला रहे यार, इंडिया का ये मतलब है, मैंने सुना है शायद बैड मींस कुछ ऐसा होता है कि वो प्लेस जहाँ पे झगड़ालू लोग रहते हैं और जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने तभी ब्रिटिश ने तभी इसको इंडिया ने कहा था, जैसे मान लो जहाँ गाय रहते हैं उसे गौशाला कहते हैं, वैसे जहाँ पे बुरे गंदे आदमी रहते हैं, जहाँ पे जिनको समझ नहीं है और आपस में लड़ते हैं कुछ, इसको बहुत गंदा वर्ड यूज किया हुआ है, ठीक है, तो ऐसे प्लेस को इंडिया कहते हैं, पाकिस्तान मतलब जो है हिंदुस्तान यूज करना है, सच बोल रहा हूँ। अगर और इसके लिए अगर आप चाहो ना इंग्लिश इसमें चेक करो तो किस पेज नंबर क्या सब कुछ बदल जाएगा, ये है, ये चलो। अब यहाँ जाके यूजर नेम लिख देता हूँ मैं, जैसे सपोर्ट SUPPORT support@octaveonlinestore.in बन गया सिंपल, ये मतलब क्या सपोर्ट इन्फो इन्हीं में घूमते रहते हैं, अपना बना लो ना, जैसे मनवंत @ आप किसी को जीमेल वा बोलो तो ये जीमेल ऐसे मत बोलो ना, ऐसे बोलो मनवंत @timestudio.in timestudio.in क्या मनवंत @timestudio.in कितना प्यारा लग गया बताओ, ये वो पूछेगा आपसे क्या ये मेरा ईमेल आईडी है भाई, तो उससे आपका एक अलग ही लुक निकलेगा सामने वाले में। जब मैं भी मीटिंग में जाता हूँ तो मैं अपने ईमेल आईडी dipanshu@redefinedigital.com वो बंदा भी कहता है कि भाई इसका बिजनेस मैन है या आपका कोई बिजनेस का बिजनेस है अपना, उसको मतलब नॉर्मल लॉगिन करनी होगी तो कैसे करेंगे, किसको वो भी बताएंगे ना आपको स्टेप बाय स्टेप, जीमेल से तो नहीं होगी ना, इन्फो और इन्फो बेसिकली यू नो द वो भी एज अ प्रोफेशनलिज्म, हां 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 इन्फो सपोर्ट और आपका कांटेक्ट कांटेक्ट हां कांटेक्ट help@ ये सब, ठीक है ना, वो यहीं से तैयार होती है। तो ये सारी बातें समझ में आ गई आपको, तो प्रॉब्लम यहां आता है, दो बात मैंने अच्छे से सिखा दी, एक सब डोमेन बनाना भी सिखा देता हूं, कैसे बताते हैं हेमंत जी आप बताओ, जो है हम सब डोमेन कैसे बनाते हैं, सब डोमेन जैसे रवि का बनाया था हाँ बनाना,
बना लोगे ना आप कंट्रोल पैनल में जाकर बना लोगे अब चीजें बिल्कुल क्लियर कट हो चुकी है आपको तुम्हें भाई सब कुछ क्लियर अभी भी समझ में नहीं आ रहा कितना आ रहा है अब क्यों आ रहा है थोड़ा देखो ध्यान नहीं आ रहा एक बार फिर पैसे खर्च कर लेना है ना वेबसाइट बना दे गौरव सर को बोलना सर मुझे वो दे दो होस्टिंग डोमेन मैं आपके वेबसाइट बनाता हूँ बस फिर लेंगे गौरव सर आपके देखो देखो सब डोमेन बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे जाओगे तो डोमेन कुछ लिखा होगा सब डोमेन लिखा हो ये देखो सब डोमेन सब डोमेन पे क्लिक करोगे बस आ गए यहाँ पे जो नाम लिखो उसका सब डोमेन बन जाएगा फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ जैसे HEMANT है ना तो अब जो लिखे एक वेबसाइट और बन जाएगी क्या hemant.octaveonlinestore.in अच्छा हाँ hemant.octaveonlinestore.in एक और वेबसाइट बन सकती है इसका मीनिंग ऑफ एट द रेट और हैशटैग क्यों यूज करते हैं हैशटैग का मतलब क्या होता है हैशटैग को पता है वैसे हैशटैग नहीं करते हाँ हैशटैग का मतलब होता है नंबर साइन इसको दूसरी लैंग्वेज में कहते हैं नंबर साइन हैशटैग को ठीक है ना और एट दैट का मतलब था पर का मतलब एक एक को दिखाने के लिए होता है जैसे आई हैव अ 10 फोन एट द रुपीज ऑफ 10,000 मतलब 10,000 रुपए का एक फोन है जो कि 10 फोन है मेरे पास मतलब एक चीज को दिखाने के लिए तो वैसे ईमेल आईडी होता है पर्टिकुलर आपका है ये उसे एट द यूजर ने भी एक ही होता ना एट द रेट हेमंत वाधवा जो भी है आपका एक अकेला बन गया ना इसलिए एट द रेट लगाते हैं टू टिकटॉक में भी चलाते हो टिकटॉक में भी एट द रेट आता है ना यूजर ने अब तो समझ में आ गया है ना तो नहीं सब कुछ देखते हैं टिकटॉक तो यार टिकटॉक अकाउंट है क्या नहीं नहीं ये भी मतलब देखते रहते हैं ना सब में अरे सब कुछ होता है तो तरीका से लोग Instagram पे जाते हैं वीडियो उसको दिखाते हैं बिजनेस का प्लेटफॉर्म है जो पर्सन को जाके टैग कर दिए जैसे Facebook पे हैशटैग करते हैं हां जी पर्टिकुलर बस सिंपल से समझो और अगर उस पे समझो जैसे WhatsApp पे हो गया तो अभी हम कभी किसी की ग्रुप पे उस पे एड्रेस डाल देना तो हां तो पर्टिकुलर आ जाता है सबके नाम आते हैं सबके नाम आते हैं किसको करना है लेकिन चूज एक ही होगा अब समझ में आ गया एट द रेट ये होता है सब डोमेन से क्या होगा एक ही होस्टिंग में तीन अक्षर बना दो फॉर एग्जाम्पल सुना ध्यान से मैं ये चाहता हूँ मेरे पास कोर्सेज है सुनो जैसे बना दिया डिजिटल मार्केटिंग बिल्कुल अब मेरा वेबसाइट है redefineclasses.com मैं चाहता हूँ आप मेरे जो वेबसाइट देखो ना सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग वाला ही देखो और कोई सा भी ना देखो तो क्या करोगे रीडिफाइन किससे पहले digital.redefineclasses.com अब जब कोई सर्च करेगा ना तो मेरा सिर्फ उसे डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट ही ओपन होनी चाहिए बस 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 अगर उसने लिखा है एक्सेप्ट अगर वो करेगा redefine.com ओपन करेगा तो फिर उसे अलग अलग तीनों दिखाई देंगे उसमें नहीं नहीं अगर redefine.com पे मेरा पूरी एक कंप्लीट वेबसाइट तैयार होगी कि मैं ये भी कोर्स करवाता हूँ और फिर वहाँ से रिटायर कर दो सप्लीमेंट पे उसमें वो जाके तीन अलग अलग बात आ जाएंगे बट अगर वो फाइंड करेगा डिजिटल को तो खाली वो डाल देगा डिजिटल कीवर्ड नहीं वो अब आगे हम बहुत अच्छे से करने वाले इस चीज भी बट अभी नॉर्मल समझ रहा हूँ सब डोमेन क्या होता समझ में आ गया सब डोमेन क्या होता बस इतना समझ लो एक एडिशनल उसके साथ जुड़ा हुआ मेरे काम में सब डोमेन का बेनिफिट क्या होगा जैसे आपके काम में बुक्स का अलग हो जाएगा उसका अलग हो जाएगा मोबाइल का अलग होगा हमारा एक्सेसरीज का अलग हो गया इस तरीके से कर सकते हैं आपको बार बार होस्टिंग खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी पहला फायदा ठीक है ना तो ये भी चीज होता है अब बातें साथ समझ में आ गई होगी अब कर लोगे सारा काम जो मैं बताऊंगा अब तो WP-admin ओपन करना कोई बड़ी बात नहीं है और छुटके में सारा काम कर देंगे कितने का करवा दिया हमने रिवीजन शायद अब क्लियर होगा सारा कुछ मेल तैयार करना ये वो फलाने का सब कुछ समझ में आ गया अब आराम से कर पाओगे मुझे होस्टिंग के लिए एक साल तुम कर दीजिए हाँ तो वो मैं तो अलग से लूंगा वो तो इसका अब जैसे हमने एक महीने के लिए होस्टिंग ये एक्सपायर हो जाएगी फिर हमारे को दोबारा से रिन्यू करनी पड़ेगी डोमेन तो चलेगा ही होस्टिंग जब जरूरत पड़ेगी तो दूसरा बंदा कोई ले नहीं सकता ना हमारे होस्टिंग से
ले ले, ले क्या दिक्कत है होस्टिंग किसी का नाम तो है प्लॉट है यार प्लॉट का कोई तो तुम दोबारा लोगे तुम्हारा वही मिलेगा दोबारा से कुछ कुछ नहीं कर सकता डोमेन ले लेना डोमेन में नहीं ले सकता और वो मेरे से खरीदे मुझे बेच रहा महंगा महंगा भाई साहब रख लेते जान कर चल एक और बात करते चलो हाँ भाई सन बोलो अगर उसके बाद वो होस्टिंग लेना चाहो चक्कर ना था होस्टिंग को लेना चाहो ले सकते हो दोबारा भाई है डोमेन नेम मेरा है होस्टिंग कहीं और से ले ली मैंने तो क्या मतलब नहीं है अब इसके बाद के प्रोसेस है ना जो हां वो थोड़ा एकदम सीक्वेंस बता के जैसा प्लगइन इसके बाद अगला आप वही करना है अब मैं कहूं तो बोलो पका था कॉपी में लिख लो ये बात लिख लो लिख रहे हैं क्या आर यू गेटिंग लेट बोलो यस यस कितने देर तक क्लास है अभी चलेगा 10 मिनट ये 10 मिनट का हो जाएगा देन यू कैन गो लास्ट में 10 मिनट छुट्टी कर लेना और लेट कहाँ 5:40 की छुट्टी करना कहना सर सीन डाल बन जाओ ये जाना ही है हाँ देखो अब हमने क्या करा octaveonlinestore.in/wp-admin ये करने का सबसे पहला काम होता है थीम इंस्टॉलेशन बोल दो बस नहीं मिली क्या करना होता है इंस्टॉल थीम थीम इंस्टॉल ढक्कन है पेन का पेन है भाई किसी का प्रिंस बाबू पेन देखो किसी गिरा भाई करेंगे क्या सबसे पहले हम थीम इंस्टॉल करने के लिए जाएंगे कहाँ पे अपीयरेंस थीम लिख लो जल्दी से फर्स्ट सब थीम इंस्टॉलेशन इसमें कहाँ जाएंगे किसके लिए थीम इंस्टॉल करने के लिए अपीयरेंस अपीयरेंस के अंदर थीम थीम में जाने के बाद ऐड न्यू थीम ये रहा ऐड न्यू थीम Add new theme और यहाँ जाके सर्च कर दोगे जिसकी जो भी थीम इंस्टॉल करना है आपको ठीक है तो मैं प्रेफर करता हूँ सिडनी का SYDNEY एस या ओशियन भी यूज कर सकते हो मैं सिडनी ज्यादा प्रेफर करता हूँ सिडनी ना अच्छा अपलोड करने का देख लेगा वी कैन अपलोड नेक्स्ट क्लास इंग्लिश में क्लासेस लेंगे यार मजा आएगा बहुत दिन हो गए इंग्लिश बोले हुए मुझे भी ये वाला हम इंस्टॉल कर लेंगे ठीक है ना इसकी रेटिंग काफी अच्छी है 275 रेटिंग है वैसे अगर इंग्लिश में ही कर रहे हैं तो बेटर है आगे हाँ। कोई भी कहीं पर जाकर बस बस काम आ जाएगा हमारे है ना एक्टिवेट कर लेंगे ऐसे पहले ले रहा था मैं क्लास पूरे पूरे दिन इंग्लिश ही बोल रहा था तो छूट गया मैं चलो बात समझ आएगी आपको कोई प्रॉब्लम नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे कस्टमाइज में जाओगे लिख लो एक बार कस्टमाइज थीम इंस्टॉलेशन के बाद कस्टमाइज कस्टमाइज में साइट का मैंने क्या क्या बताया था भूल गया मैं बताना एक बार कुछ नहीं कहा था सिंपल एक ही चीज कहा था ना साइट का टाइटल साइट का देखो हाँ हर किसी अफसर का अपना एक वो है ना देखो टाइटल ना देखो ऊपर लिखा था ना मैनेज एक्टिव ऑनलाइन डॉट ऑन देखो यहाँ जाओ सबका अपना एक टाइटल है ना ऊपर लिखा हुआ वैसे मैं चाह रहा हूँ कि मेरे भी अफसर को ओपन करें ना तो वहाँ पे वो आ जाए प्रॉपर तेज टाइटल आ जाए तो मैं वैसे ले रहा हूँ ठीक है जब तक के लिए मैं आपको लिखना भी सिखाऊंगा कंटेंट राइटिंग भी है किस तरीके से इंग्लिश में आप प्रॉपर तरीके से आई कैच टाइटल बना दो मिनटों के अंदर ये पूरा फॉर्मूला है मेरे पास 10 फॉर्मूला है माइंड ब्लोइंग फॉर्मूला है सारे मेरे पास बेस्ट क्लोदिंग कंपनी वाले
ये तो वैसे ही बना रहा हूँ मैं। माय बेस्ट क्लोथिंग स्टोर, मतलब ये ऊपर एक बता रहा। अच्छा बता रहा हूँ क्या टैगलाइन कुछ भी लिखता हूँ, मतलब मैं वही लिखता हूँ ऑक्टेव ऑनलाइन स्टोर डॉट लाइन कुछ भी, ये रहने तो कुछ भी। अब मैंने कहा था आइकन जैसे देखो इसका सीपी आ रहा, सीपी बोला तो कनाट प्लेस नहीं है, पता लगा तो बोला कनाट प्लेस सीपी है भाई, कंट्रोल पैनल है यहाँ पे, तो ये सबका आइकन आ रहा है, इसे हम कहते हैं फैच आइकन कहते हैं। हाँ जी ये आ गए, करो क्या यहाँ पे जाके साइट आइकन साइट लिखा रहा सिलेक्ट साइट आइकन, इस पर क्लिक करेंगे हम और सिलेक्ट फाइल। अच्छा भाई किस बना है कलर अच्छा बन गया था ना, हाँ मैं जब तक लिए ले लेता ले लेता, बाद में चेंज कर लेंगे हम, टाइम बेकार करने से तो कोई फायदा नहीं है ना। सिलेक्ट करेंगे और तो छोटा हो सकता है बेटा, नहीं होगा हाँ कोई बात नहीं। देखो जी अब आइकन लग गया ऊपर, देखो अब पब्लिश कर दोगे ना आप इस आइकन को, क्या कहते हैं साइट आइकन कहते हैं, साइट आइकन। अब देखो जी अब जब कोई ओपन करेगा ना इसके उनके वेबसाइट को, क्या ऑक्टिव ऑनलाइन स्टोर डॉट, अरे ये क्या लग गया मैंने ऑक्टिव ओ सी टी ए वी है ना, ऑक्टिव क्या था ऑनलाइन स्टोर डॉट इन, चेक कर लेना भाई। हाँ लग तो गया मुझे लग रहा है, सी ए सी ए ओके, मैं दिख नहीं पा रहा हूँ ऑक्टिव टाइप ऐसे होते ना ये तो इनको नहीं करेगा। देखो जी ये आप सर आ गई, आप देखो इसमें जाओगे तो सबसे ऊपर क्या लिखा रहा है, बेस्ट क्लोथिंग स्टोर आ रहा है जैसा सबका आ रहा है, और नीचे ऑक्टिव ऑनलाइन स्टोर डॉट इन आ गया, तो ये चीज भी आ गया आपको, ये साइट टाइटल आ गया, साइट टाइटल भी आ गया, साइट आइकन भी आ गया। लेकिन हम ये नॉर्मल गूगल पे सर्च करें उस पर नहीं आएगा, आएगा सर्च इंजन में भी नहीं डाला मैंने, इसीलिए रजिस्टर ही होती है गूगल से भी, वो बता माता पर आएगा, धीरे धीरे सारा सीख पाओगे, अचानक नहीं सीख पाओगे, जो मैंने सब जो सीख लिया ना आपने वो याद रहेगा तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम यूज नहीं करेंगे बार, अब जो बताऊँ वो रोज सिखाना पड़ेगा मुझे। अच्छा इसके बाद क्या करते हैं बताना मुझे एक बार, मनमंत जी मैं भूल गया, इतना करने के बाद पब्लिश कर दिया था आपने? हाँ जी सर बिल्कुल कर दिया। इसके बाद क्या स्टेप था हमारा, इसके बाद हम करते थे यहाँ पे जाके पेज बनाओ, लॉगिन कर दिया, इसके बाद ना थर्ड स्टेप पेज में जाके एड न्यू पेज, थर्ड स्टेप में देखो यहाँ जाके देखो देखो यहाँ पे जाके एड न्यू पे क्लिक करोगे, ये देखो ऑप्शन आ गया ना, जो होम करने तो होम अबाउट अस गैलरी कॉन्टेक्ट अस, वो यहीं से तैयार करेंगे। मनवंत जी फास्ट भाई, सबसे फास्ट मनवंत जी, पब्लिश पब्लिश बस बन गया मेन्यू। और कैसे करेंगे दोबारा और बनाना है ना और ज़्यादा, तो यहाँ पर दोबारा एंड व्यू में जाओ, अबाउट अस अभी कल से आप ही बना दो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, दो बात समझ में आ गई। तीसरा स्टेप करते हैं हम लोग अपीयरेंस के अंदर मेन्यू में जाओगे, हाँ दो ऐड कर दिया फिलहाल मैंने जब तक के लिए वैसे ही, आप हाँ जी जितने करने हैं डिपेंड करता है, वो तो कर लो बार बार सारी चीजें बैठ के कर लूंगा तो टाइम पे करोगे ना, फिर अपीयरेंस के अंदर मेन्यू में जाएंगे, लिख लिया आपने लिख लो भाई, अपीयरेंस के अंदर मेन्यू में जाएंगे, ये गिना चुना स्टेप है, उसके बाद से बस ड्रैग ड्रॉप करो और एक तैयार हो जाएगा वेबसाइट। तो
मेरा फिर WooCommerce अलग होगा भाई। हां एक बार पहले बेसिक चीज तो समझ लो ना, इसके बाद WooCommerce, इसके बाद ये ना। हां ये क्लास पूरा बना के बस नॉर्मल WooCommerce। हाँ जी, यहाँ पे जैसे होता है ना ऊपर नीचे दाएं बाएं रखना हो आपको, जैसे मान लो होम आ गया तो होम तो सबसे ऊपर आना चाहिए ना, मान लो ऊपर आ गया देखो। अच्छा वो सीक्वेंस सेट करके, सीक्वेंस सेट करना, ये दोनों मान लो इसी का पार्ट है सपोज, ये देखो ऐसा सीक्वेंस होता नहीं, एक मेन्यू खोलो उसके नीचे आता सब कुछ, वो ऐसे बनाते हैं। अच्छा और यहाँ से मैं क्रिएट मेन्यू करता हूँ, सब पेज है ना, सब पेज, सब आइटम। ये बात समझ में आ गई? आप कौन सा स्टेप है हमें बताने का, भूल गया अबे स्टेप कौन सा है तो बता भी। कौन सा स्टेप? अरे मतलब नेक्स्ट कौन सा नंबर है, तीसरा चौथा पांचवा आठवां? पांचवा है, पांचवा देवी। हाँ अच्छा वो देखो पांचवे स्टेप में क्या करो, प्लगइन में जाओगे, ऐड न्यू प्लगइन। प्लगइन होता क्या है? एक सपोर्ट होता है वेबसाइट बनाने के लिए, जैसे घर बनाने के लिए आपको खंबा चाहिए ना पूरा सपोर्ट में, फिर उसको घर बन जाते हैं, उसी तरीके से इसके सपोर्ट में होता है प्लगइन। वो जो होता है ना आपके नए नए इसमें क्या कहता है, नई नई एडिशनल चीज़ें देता है और जोड़ने के लिए वेबसाइट में। उसके अंदर हम ऐप प्लगइन में जाएंगे, एक पेज बिल्डर हम इंस्टॉल करें, उसका नाम क्या था बताना, बताना पेज बिल्डर का नाम क्या था, कल जो बताया था कल, प्रैक्टिस नहीं हुई है। एलिमेंटर पेज बिल्डर और नव पेज बिल्डर का ऐड, वेरी गुड, ये लड़का अच्छा भाई, ऐड प्लगइन एलिमेंटर पेज बिल्डर, ये इंस्टॉल करना है आपको, जैसे इसमें सर्च करोगे तो आएगा, इसको इंस्टॉल कर लो, एक्टिवेट कर लो एलिमेंटर पेज बिल्डर। हो गया एक्टिवेट, एक और कर लो नव मेन्यू एडवांस, नव मेन्यू एडवांस, नव मेन्यू, ये फ्री मतलब वो होता है क्या? सारे फ्री है, लेकिन अगर मैंने डॉट इन की वो नहीं ले रखी है अभी, दिलवा देंगे ना आपको, क्या दिक्कत है, अभी बात करता हूँ। बाकी हो क्या गया फुल स्क्रीन मेन्यू और एलिमेंटर? करेंगे करेंगे धीरे धीरे, सब है आपके पास में, सब कुछ ही है, हाँ धीरे धीरे स्टेप 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 चलते रहेंगे। तो ये रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ ये रिकॉर्डिंग हो रही है, बस ये वाली ये दम लड़की, चल आगे चलते हैं। माइक भी लगा रखा है, हाँ माइक भी लगा रखा है आज तो, और तेज भी बोल रहा हूँ आज, लग रहा है खाना ना खा के आया हूँ, जो सेकंडरी क्लास है उसकी भी रिकॉर्डिंग हो रही है, उसकी रिकॉर्डिंग करते हो ना, हाँ उनकी इंस्टाग्राम वाली हो रही है। चलो बात समझ आ गई, इतना करने के बाद एक छोटा सा वो देखूँ आपको, वो दूँ वेबसाइट बनाने का दो मिनट का तरीका, देखो देखो कोई भैया बन गया वेबसाइट, अभी देखना कुछ नहीं करना, ऑल पेज में जाओगे देखना आपको हैरान हो जाओगे। ये भी तो बोलता है ना वीडियो में 5 मिनट, ये आपको बता रहा हूँ तो समय लग रहा है ज़्यादा, अगर मैं खुद करना पड़े ना मेरे को, ये लो सर आपको 8,000 रुपये दे दो, मुझे ये वापस पकड़ो बाबा जी घट्टू है ये। देखो यहाँ जाके ये देखो होम हमेशा तैयार कर, कौन सा करेंगे हम होम पेज तो तैयार करेंगे ना, इसको पहले एडिट करना है एक बार, छोटे मिनट एक मिनट के लिए एडिट करना आ गया, इसका पेज एट्रीब्यूट में जाके कैनवास कर देना, एलिमेंटर कैनवास, कैनवास मतलब समझते हो क्या होता है कैनवास? वो तो ठीक है, कैनवास का मतलब होता है जब आप पेंटिंग करते हो ना, जब खाली पे जाता है उसको हम कैनवास कहते हैं, कैनवास कहते हैं, एलिमेंटर कैनवास करोगे है ना, और अपडेट कर देना बस, ये स्टेप रिकॉर्ड हो रहा है पहले बता रहा हूँ, एलिमेंटर एडिट भी किया एलिमेंटर कैनवास और यहाँ से एडिट विद एलिमेंटर, अब देखो बिल्कुल सादा पेज दे देगा, मुझे वेबसाइट तो बनाना है, अब देखो कैसे बन जाएगा, वायर फ्रेम मैंने कॉपी में तैयार कर ही लिया, मुझे मालूम मुझे कैसे वेबसाइट बनाना है, वैसा वैसा मिनटों बन जाएगा, कुछ नहीं करना आपको, ये देखो ये लिखा रहा है एड टेम्पलेट, एड टेम्पलेट पर क्लिक करोगे, मुझे मान लो ऐसा वेबसाइट बनाना है, इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ से इंसर्ट कर दिया, एक बार लॉगिन कर लेते हैं इसमें है ना, गेट स्टार्टेड करोगे बस, किसके लिए, इसके लिए लॉगिन करना है, चलो मैं अपने आईडी से कर देता हूँ छोटा, ठीक है ना, अरे भैया ऑलरेडी यूजर है, लॉगिन कर लेते हैं, चलो नाराज ना हो,
नहीं नहीं नाराज हो जाएंगे यार, मैं बना रखा ना आईडी, कोई बड़ी बातें बनाना। चलो भाई सक्सेसफुल हो गया ना, चलो निकले यहाँ से। अब यार कुछ नहीं क्या भाई, गेट स्टार्टेड क्या, कुछ नहीं वो अपने ये मत पूछना ये भी कैसे होता है भाई। अब देखो अब देखना जादू ये बन गया वेबसाइट, अब जैसे बोलेंगे तो ये आएगा। हाँ आ गया, अब कुछ नहीं लोगों में आ गया ना, लोगों में लोगो लगा दो, अपना अपनी फोटो लगा दो अपने ब्रांड की, अपने इस सब के फोटो चेंज करते रहो, कल सिखाऊंगा कैसे करते हैं और अपडेट कर दो। हाँ हाँ अब देखना, अब ये तो मैंने वैसे बना दिया ना, अब जब तुम इसको सर्च करोगे और एक छोटा सा स्टेप और करना है हमें, बताता हूँ आपको मैं, ये कर दिया ना आपने, एक बार बाहर निकल जाओ यहाँ से, डैशबोर्ड पे चल लेते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ इस रिकॉर्डिंग को देख के जरूर आना भाई। अब देखो डाउनलोड कर लेंगे देखो क्या करेंगे, अब हम इसके वो कर लिया ना हमने, एक छोटी सेटिंग करनी है, यहाँ पे जाके सेटिंग करो आराम से, रीडिंग में जाके सेटिंग रीडिंग लिख लो। ये वन स्टेप पर सारा सेटिंग रीडिंग, इसका मुझे पढ़ाना है, आप बैठ कर बनाते रहो वेबसाइट, सेटिंग के अंदर रीडिंग करो और यहाँ पे स्टैटिक पेज क्या होना चाहिए सबसे पहले ऊपर होम पेज, और सेव कर दो। किस बारे में बताया ऊपर सेटिंग के अंदर रीडिंग, नहीं उसके ऊपर क्या लिखा, स्टैटिक होम पेज, होम पेज। मैं सिर्फ इतना सीखने के लिए पता है बहुत परेशान हुआ था, मुझे ये सेटिंग पता नहीं था वेबसाइट का, बहुत इसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, इस सब हमेशा होम पेज ही खुलेगा। अब सेव कर दिया हमने, अब देखो जी इसको रिफ्रेश करोगे ना आप, ये लो जी बन के तैयार है वेबसाइट। बस ये कल एडिट करना सिखा दूंगा तुम्हारे वेबसाइट बन के तैयार। चलो भाई वीडियो रिकॉर्ड हो जाओ, वीडियो रिकॉर्ड कर देता हूँ, स्लो मतलब स्टॉप हो जाए, स्टॉप हो जाए।